देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। कल शाम 4 बजे 13 फाटे पर दो नौजवान को एक पिकअप गाड़ी के साथ गौ की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। गौ की तस्करी करते हुए पकड़ने वाले जो लोग हैं वो गौ रक्षा के लोग हैं और गौ रक्षा के लोगों ने इन्हें पकड़ा है। गौ रक्षा के लोगों को किसने अधिकार दिया इन्हें पकड़ने का? अब कानून एक अपनी हैसियत रखता है, कानून एक अपना मुकाम रखता है। गौ की तस्करी करना गैर कानूनी है, उन्हें पकड़ने का काम पुलिस प्रशासन का है। कानून तोड़ने वाले को सजा देने का काम कानून का है, कोर्ट का है। गौ की रक्षा करने वालों को यह अधिकार किसने दिया कि वो गौ की तस्करी करने वालों को मारे, पीटे और उनसे गैर धर्म नारे लगवाए जाए? आप देख सकते हैं कि वीडियो में उन्हें डंडों से, कोनियों से, लात से, घूस से पीटा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि या अल्लाह नहीं, जय श्री राम कहो। ये हादसा मालेगांव शहर के 13 फाटे पर पेश आया। अब कानून के लिए सवाल उठता है कि ये काम कानून का है, फिर ये जो लोग कर रहे हैं इनको अधिकार किसने दिया, इस पर एजाज बेग क्या कहते हैं वो सुनते हैं। कल 4 बजे के बाद मेरे को एक वीडियो वायरल हुआ। मैं नासिक से आ रहा था और कुछ समाज कंठक लोगों ने जो 13 फाटे के पास एक गाड़ी वाले को रोक दिए, साजिद नाम और सुल्तान नाम के दो व्यक्ति को बेतासा मारा गया और उनको मार रहे थे और उनको बोल रहे थे बोलो जय श्री राम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिस वीडियो के अंदर इन्होंने किए है मैं इसका कह रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने इनके बारे में शिकायत कर चुका हूँ। ये एक टोली है जो पाटना फाटे के पास से अपनी दादागिरी बनाई हुई है। इन्होंने इसके पहले भी रिवॉल्वर निकाला था दो और इन्होंने 5 भैंस को लूट लिया था। मैं उस वक्त तो तालुका पुलिस स्टेशन के PI मगर साहब को उसकी कंप्लेंट किया था। मगर साहब वहां पर खुद गए और 4 भैंसे कुरैश बिरादरी के जो लोग थे उनको वापस दिलाया उन्होंने। आज तक एक भैंस उसकी वो भी नहीं मिली। तो ये मॉब लिंचिंग का केस इनके ऊपर दाखिल होना चाहिए। हमने आज, मैंने कल माननीय जिला SP साजी उमर साहब को भी मैंने व्हाट्सएप के ऊपर वो वीडियो डाला हूँ और IG शेखर राव साहब को भी डाला हूँ। आज हमारे नेता आरिफ नसीम खान साहब, उनका मुझे कॉल आया, उनको किसी ने वीडियो भेजा था, उन्होंने मेरे सारी मालूमात लिए और मालूमात लेने के बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैंने जिला SP साहब को बताया हूँ कि मालेगांव के अंदर ऐसा ऐसा चल रहा है। फिर आज सुबह मेरे एडिशनल SP अनिकेत भारती साहब से भी बात हुई है। ठीक है, कानून किसी को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम करती है। ये जो दादागिरी कर रहे हैं इनकी दादागिरी बंद होना चाहिए। ये क्या चाहते हैं, शहर का मन खराब करना चाहते हैं क्या? हम पुलिस से यही गुजारिश करेंगे कि शहर के अच्छे माहौल को जो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं इनको बंद होना चाहिए और इन्होंने अपने तौर तरीके से पुलिस ने अपनी कार्रवाई करना चाहिए। अगर ये रोड के ऊपर आएंगे और ये इसी तरीके से मार झोड़ करेंगे, आप वीडियो के अंदर देख सकते बेतासा मार रहे। देखो अभी क्या हुई थी क्या नहीं हुई थी, ये FIR दर्ज होंगी। ये कांग्रेस पार्टी का एक नुमाइंदा होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार हूँ, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है। कुरैश बिरादरी कोई चोरी करके नहीं लाती, अगर इनको लगाम लगाना है तो जाके किसानों के ऊपर लगाम लगाए। किसान जो बेचता है वो कोई मुसलमान नहीं होता बेचने वाला। मैं ये सारी हरकत ये इनकी बंद होना चाहिए। और ये जो पाटना फाटे के ऊपर कौन पेट्रोल पंप वाला है, ये गुंडा है, ये चोर है, ये लुटेरा है, इसके ऊपर कई FIR है। ये सब होना, ये इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए और इनको हद पार की नोटिस निकाल के इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्या हो रहा हम लोग कल जो है, अगर शाम तक हमारी मालूमात के अंदर होता है कि इन्होंने FIR दाखिल किए तो ठीक है, नहीं तो कल हम 12 बजे कुरैश बिरादरी के तमाम जिम्मेदारान को लेकर, छोटा मोटा धंधा करने वाले कुरैश बिरादरी के लोग है, इनको लेकर जाएंगे और जाने के बाद एडिशनल SP से मुतालबा करेंगे कि साहब ये FIR होना चाहिए। जो कानून है, कानून के खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। अगर ये बिला वजह ये करेंगे, हम अगर कल तक के गुना दाखिल नहीं करेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर पुतले के ऊपर बैठ के और कल धरना देंगे। ये एजाज बेग की कल की बात अटल है, अगर इन्होंने कल तक के FIR दाखिल नहीं किया।